तो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि मोहन लाल जी द्वारा लिखा गया निबंध है जिसको हम देख रहे हैं। तो देखते हैं, एक सौ 27 नंबर मिले हैं इन्हें 250 में से। निबंध क्रम संख्या ज़रूर लिखे हैं। तो कोई प्लान बी नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। हमें इसी पर काम करना है और अपनी कार्यवाही को प्रेषित करना है। सन 2021 की बात है जब पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षा वन भीषण दावानल मतलब आग से अपनी पैठ खोते जा रहे थे। उस समय कुछ पूंजीवादियों द्वारा तथा पूर्व राष्ट्राध्यक्षों ने इसे नजरअंदाज करते हुए बताया कि इससे पर्यावरण क्षरण या जलवायु परिवर्तन से कोई सीधा संबंध नहीं है। ज्ञातव्य है कि वे मानव उपभोगवादी संस्कृति में विश्वास करते थे। दूसरी ओर यहाँ से हम देख रहे हैं, दूसरी ओर उसी समय प्रमुख पर्यावरणविदों तथा पर्यावरणीय संवेदनशील राष्ट्राध्यक्षों ने इसे पारिस्थितिकी आपातकाल घोषित किया क्योंकि उनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एवं वनाग्नि को रोकना ही प्लान ए है एवं पृथ्वी स्वयं प्लैनेट ए है। प्लान बी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए सभी राष्ट्रों ने इस अमेजन वनाग्नि को रोकने हेतु तो संयुक्त कार्यवाही को प्रेरित किया जिससे दावानल को काबू में किया गया। उल्लेखनीय है कि आधुनिकीकरण के दौर में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन प्लैनेट की पारिस्थितिकी क्षमता को प्रभावित करता है जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है एवं परिणाम के रूप में चरम मौसमी घटनाएं घटित होती हैं जैसे बाढ़, दावानल, भूस्खलन आदि। ये सभी बताते हैं कि हमारे पास कोई प्लैनेट बी नहीं है और फ्रंट फुट पर प्लान ए के तहत प्लैनेट ए का बचाव करना है। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्लान बी तथा प्लैनेट बी दोनों को नकारती हैं। प्लान ए तथा प्लैनेट ए का क्या महत्व है? प्लैनेट के संरक्षण में किस प्रकार की कार्यवाहियों को प्रेरित करना है और उसका प्लैनेट के रूप में पृथ्वी को क्या लाभ होगा आदि। आखिर हम प्लान बी और प्लैनेट बी के बारे में सोचने को मजबूर क्यों हुए? इसका उत्तर है कि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनोन्मूलन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रदूषण इत्यादि ने संयुक्त रूप से पारिस्थितिकी व्यवस्था को असंतुलित कर दिया है जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्प्रभाव सामने आए हैं। वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन से पार्थिव विकिरणों का निचले वायुमंडल द्वारा अवशोषण ही ग्लोबल वार्मिंग है। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक प्रभावित हुए हैं जैसे समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है, ग्लेशियरों का पिघलना, महासागरीय अम्लीकरण, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, चरम मौसमी घटनाएं आदि। ये सभी घटनाएं प्लैनेट ए की असंधारणीयता तथा असतता को दर्शाती हैं और इस ओर इशारा करती हैं कि हमारे पास कोई प्लैनेट बी नहीं है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के रूप में प्लान ए को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए। इसके अलावा असंधारणीयता के कुछ अन्य तत्व भी हैं जो बताते हैं कि प्लैनेट ए का क्या महत्व है, जैसे खाद्य सुरक्षा, उत्तरजीविता, कृषि, वन, जल, जमीन का संबंध आदि। हम जानते हैं कि जीवन के रूप में ज्ञात पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो सजीवों को आश्रय प्रदान करती है। इसी प्रकार यह आवश्यक हो गया है कि प्लैनेट ए की संधारणीयता बनाए रखने हेतु तो हमें प्लान बी की जगह प्लान ए के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यदि प्लान बी के बारे में चर्चा करें तो पाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति असक्रिय असक्रियता
अथवा ढीला होना, बढ़ते तापन को सहने हेतु एसी का प्रयोग करना, पर्यावरणीय अवधारणाओं जैसे जलवायु परिवर्तन को ना मानना, दूसरों पर छोड़ना जैसी अकर्मण्यता नीति ही प्लान बी है, जो कि वास्तव में कोई प्लान ही नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी बताया कि पृथ्वी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन लालच का नहीं, लालच की नहीं। इसलिए लालच को कम करने हैं तो प्लान ए पर कार्य करने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में आई आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि पिछली एक सदी में औसत तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 50% की वृद्धि, 100 mm से अधिक समुद्र जल स्तर वृद्धि तथा 70% से अधिक पादप तथा जीव प्रजातियां विलोपन के कगार पर हैं। जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थलमंडल प्लैनेट ए के घटक हैं। इसलिए इनके संरक्षण हेतु प्लान ए के तहत कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि पारिस्थितिकी क्षरण के अनेक अन्य दुष्परिणाम भी हैं, जैसे पर्यावरणीय विवादों का बढ़ना, सामाजिक ताने बाने का बिखरना, आर्थिक हानि जिसमें पारिस्थितिकी, पर्यटन, जनजातीय उत्तरजीविता तथा रोजगार व्यवस्था, राजनीतिक दुष्परिणामों के अंतर्गत देशों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को लेकर आपसी झगड़े तथा युद्ध शामिल हैं। जैसे 19वीं सदी में अफ्रीका का जायरे बेसिन, कांगो बेसिन, नील नदी घाटी क्षेत्र, रुर व सार की घाटी, अल्फांस व लारेंस क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र इत्यादि में यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव, हाल ही में चीन की नाइन डैश लाइन के तहत विस्तारवादी नीति भी यही दर्शाती कि प्लैनेट ए पर संसाधनों की सीमितता के कारण आपसी द्वंद्व बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के टकरावों को रोकने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर अनेक कार्रवाइयां की गई हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी प्लैनेट ए के संरक्षण की शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। 1987 में ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार संधारणीयता को परिभाषित किया गया है तथा प्लान ए के तहत पर्यावरण संरक्षण कार्रवाइयों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसी की अगली कड़ी में पृथ्वी सम्मेलन 1992, पेरिस समझौता 2015 अपनाया गया है। यदि भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो हम पाते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही प्लैनेट ए की रक्षा हेतु वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिना के उद्देश्यों के साथ कार्रवाइयां कर रहा है। जैसे जनजातियों का पर्यावरण संघर्षता, पवित्र उपवन, चिपको आंदोलन आदि, जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के द्वारा प्लैनेट वहीं दूसरी ओर राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर प्लान ए के तहत प्लैनेट के बचाव हेतु अनेक कार्रवाइयां शुरू हुई, जैसे INDC को अपनाना, NAPCC के तहत 8 मिशन, SDG लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास, लाइफ पहल आदि। स्थानीय स्तर पर भी ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, जैसे ओरण भूमि में वृक्ष नहीं काटना, जैव विविधता संरक्षण समितियां आदि। भारत में बिश्नोई समुदाय सामुदायिक स्तर पर प्लैनेट संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है, जो पशु तथा वन संरक्षण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों जैसे वैदेशिक संबंध मधुर बनाने, सार्वभौमिकीकरण, एक विश्व एक भविष्य, एक समान आर्थिक क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, इसमें भी हमें प्लान ए के तहत सकारात्मक कार्रवाई या करनी होगी, तभी प्लैनेट का स्थायित्व बना रहेगा। अतः हमें इसी प्लैनेट पर काम करने के लिए एक एकीकृत बहुआयामी अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण तथा पृथ्वी के सभी घटकों का समान रूप से संरक्षण व स्थायित्व प्रबल हो। इसके लिए एक विश्व अथवा वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को विश्वव्यापी बनाना होगा। जैसा कि वर्तमान में भारत द्वारा G20 के दौरान प्रयास किए जा रहे हैं। निष्कर्षता
इससे सभी समाजों में प्लान ए को वरीयता मिलेगी तथा हम जानते हैं कि कोई प्लैनेट बी भी नहीं है, इसलिए संधारणीय विकास लक्ष्यों तथा समावेशी प्रक्रिया द्वारा हमें इसी प्लैनेट पर काम करना है तथा एक विश्व हेतु निरंतर कार्यवाहियों को प्रेरित करना है। एक विश्व, एक पृथ्वी, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। निबंध लेखन विश्लेषणात्मक एवं प्रभावशाली है, अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। और इसके बाद दूसरा इससे का हेडिंग है, मुफ्त उपहारों की सदैव एक कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे पहले हो या बाद में, ठीक है ना। इन्होंने कितने पन्ने का लिखा हुआ है तो हम देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पेजेस का लिखा हुआ है इन्होंने इससे। और इससे का जो हेडिंग थी वो क्या थी, कोई प्लान बी नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है, हमें इसी पर काम करना है और अपनी कार्रवाई को प्रेरित करना है। तो इस तरीके से आपने ऐसे देखा UPPCS के ऐसे विषय में, आपको ये निबंध खंड में आपको ये ऐसे लिखना होगा। धन्यवाद।